हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को देख रहे होंगे और किसी भी लेक्चर्स को देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। बच्चों, जैसा कि इन्फॉर्म है, आप लोगों का रिसेंटली चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया गया था और उसमें हम लोग लगभग इसके 2-3 लेक्चर देख चुके हैं अब तक। आज हम टॉपिक को एक नए टॉपिक के साथ आपका शुरुआत करेंगे और जैसा कि बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। इस चीज में, इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे, हम क्या इस चीज को जिक्र करेंगे, तो आइए उससे पहले आप लोग वीडियो लेक्चर्स को लाइक करिए, जिस भी मोबाइल में देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी लेक्चर्स को कम्प्लीट देखा करिए। स्टूडेंट, जैसा कि इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जाना था और आज उससे हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली में फॉसिल फ्यूल्स में जीवाश्म ईंधन, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्यूल्स था जिसको लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम जिसका उपयोग आज हम करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली में इनका यूज जो लिया जा रहा है, एक तो हम खाना बनाने में लेते हैं, उसके बाद बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी लिया जाता है। एक्चुअली में जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो इलेक्ट्रिसिटी हमें बनानी होती है, उसमें हम कौन सा फ्यूल का यूज़ लें वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया कि हम टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब उस टरबाइन को घुमाने के लिए, कल भी हमने लास्ट एक एक्टिविटी लिया था, उसमें कुकर के जो वेपर निकाला, उस वेपर से टरबाइन घूमने लग गया, टरबाइन से डायनमो से में करंट जनरेट हुआ और वो बल्ब हमारा ग्लो करने लग गया था। ऐसे ही और भी कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम टरबाइन को घुमा कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे बच्चों। तो आज का टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट, पेज नंबर 245 NCERT इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट बुक, पेज नंबर 245। बच्चों, थर्मल पावर प्लांट को बोलते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। क्या बोलते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र हम बोलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द ट्रांसमिशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर इफिशियंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम और द सेम डिस्टेंस। विद्युत संयंत्र में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जानती है। आपको पता है पानी से बिजली बनती है, तो क्या किया जाता है, पानी को गर्म करना होता है, पानी को गर्म करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को देने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ लेते हैं, कोल का यूज़ लेते हैं, कोल के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है, कोयले के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करके वो उसकी वेपर बनती है जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। कल भी हमने इस चीज़ को एक एक्टिविटी में समझा कि कुकर से भाप निकल रही, उस भाप से टरबाइन घूमने लग जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर इफिशियंट देन द ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस, देयरफॉर मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेटअप नियर कोल एंड ऑयल फील्ड्स। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज सिंस फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोल रहा है बच्चों? कोयले समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संयंत्र, विद्युत संरक्षण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों को निकट स्थापित किए जाते हैं, स्टेबलाइज्ड किए जाते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट से जहाँ पर कोयले वगैरह ज़्यादा पाए जाते हों, कोयले की खान हो, पेट्रोलियम वगैरह ऑयल निकलता हो, उन जगहों पर थर्मल पावर प्लांट स्टेबलाइज किए जाते हैं, क्योंकि इनसे पानी को, क्योंकि ज़्यादा इफिशियंसी, ज़्यादा एनर्जी हमें इससे ऑब्टेंड होती है, इससे वाटर को गर्म किया जाता है, वेपर बनता है, फिर उससे टर्बाइन घुमाने में हेल्प होती है। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्या बच्चों? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, हीट उत्पन्न किया जाता है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किसमें बच्चों? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रो पावर प्लांट्स
बच्चों नेक्स्ट है आपका जल विद्युत संयंत्र, समझ गए थर्मल पावर प्लांट्स, और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। अनदर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाइट। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। मेरी बात समझिएगा, पानी को किसी ऊंचाई पर स्थित है तो वो जब गिरेगा तो उसकी गतिज वो स्थिति ऊर्जा उसकी पोजीशन चेंज हुई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर रहती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट इट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फेलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी सेंस देयर आर फ्यू वाटर फॉल्स विच कुड बी यूज एज ए सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड टू डैम्स। इन द लास्ट सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ डैम्स आर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कह रहा है समझिएगा, जब जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पानी जो ऊपर से गिराया जाता है नदियों से तालाबों से झरनों से, जो पानी ऊपर से गिरेगा डैम से बांधों से तो स्पीड बढ़ेगी, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, उसकी बच्चों पोजीशन चेंज हुई है। क्लास नाइन्थ में आप लोग पढ़ चुके हो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ना बच्चों जो स्थितिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। कैसे, चूंकि ऐसे जल प्रतापों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबद्ध किया जाता है। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए, जैसा कि हम चित्र 14.1 में देख पा रहे हैं। As we seen from figure 14.1, a quarter of energy requirements in India is met by hydropower plants. In order to produce hydroelectricity, high-rise dams are constructed on the river to obstruct the flow of water and thereby collect water in large reservoirs. क्या कह रहा है बच्चों कि जल भारत में हमारी ऊर्जा की मांग का चौथाई भाग ही पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा की जाती है। जितनी भी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका 1/4 वाटर मीन्स 1/4 एक चौथा हिस्सा हमें जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट से मिलती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशय में जल एकत्रित कर ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। पानी को रोका जाता है फिर इसको स्टोर किया जाता है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता है जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा होता है। जैसे पानी स्टोर करेंगे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, तल ऊंचा होता जाएगा। बांध के ऊपरी भाग में बच्चों पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थित टरबाइन के ब्लेड पर मुक्त रूप से गिरता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो पाइप के द्वारा सीधे टरबाइन पर पानी को गिराया जाएगा, फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करने लग जाती है, घूमने लग जाती है, और जैसे घूमेगी जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, बुक में इंग्लिश मीडियम में समझते हैं, तो वाटर एनर्जी फ्लोइंग वाटर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरी थ्रू पाइप्स टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। 14.3 पानी को ऊपर से गिराया जाता है, टर्बाइन पर घूमेगा, टर्बाइन घूमने लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। आगे बच्चों सिंस द वाटर इन द रिसीवियर पावर इज रिसीवियर्स वुड बी रिफिल्ड ईच टाइम इट रेन्स। हाइड्रो पावर इज ए रिन्यूअल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज गेटिंग यूज अब द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश्ड वन डे। लेकिन एक समस्या भी है बच्चों एक समस्या भी है, क्या है समझिए, चूंकि हर बार जब भी वर्षा होती है जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसीलिए जल विद्युत ऊर्जा
एक रिन्यूअल सोर्सेज है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अतः हमें जीवाश्म ईंधनों की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं। बेनिफिट भी है बच्चों, देखो फॉसिल फ्यूल्स की खतरा होने की खत्म होने की संभावना बनी है, लेकिन पानी क्या है, वेपर बनेगा, वेपर से दोबारा बरसात आएगी, जलाशय भर जाएंगे, उसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं। तो रिन्यूअल सोर्सेज है, इसका उपयोग हम बार बार बच्चों कर सकते हैं। आगे जानते हैं, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट, परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण में कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई है। द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, सो द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेस, प्रिफरली इन हिलिटरनीस, लार्ज एरिया एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन एरिया टू बी सेक्रीफाइड एज दे गेट सबमर्ज्ड। क्या कह रहा है बच्चों, बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जाए, बांध हर जगह नहीं बनाए जा सकते कि कहीं भी बना दिया हमने बांध, प्रॉब्लम क्या आती है। तथा इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र ही अच्छे, हिली एरियाज पर्वतीय क्षेत्र ही अच्छे माने जाते हैं बांधों के निर्माण में। बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट भी हो रही है। तो आसपास हम बांध बनाएंगे, वाटर ओवरफ्लो होगा, तो आसपास कृषि योग्य जो भूमि है, मेरी बात समझिएगा, और जो आसपास लोग बाग रहते हैं उनके डूबने का भी खतरा बना रहता है बच्चों। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉय व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स, द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड रूट्स अंडर एनोएरोबिक कंडीशन एंड गिव राइज टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेथेन विच इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूबते हैं वे वायवीय परिस्थिति में सड़ने भी लग जाते हैं। एनएरोबिक सिस्टम से वो पेड़ पौधे पानी में जाएंगे तो सड़ेंगे ही और विघटित होकर विशाल मात्रा में कौन सी गैस बनाएंगे, मैथेन गैस उत्पन्न करते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी खतरा है, ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए प्रॉब्लम है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल, अपोजिशंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू द सच प्रॉब्लम्स। देखिए क्या कह रहा है, आपसे कितनी समस्या आ रही है। बांध के निर्माण से विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न की हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजना का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण हुआ। लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है क्योंकि उनको डूबने का खतरा, बाढ़ में उनके घर बार डूब जाते हैं, इसलिए उनको दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। इस तरीके से कई समस्याएं भी आती हैं, इसलिए हर जगह डैम्स नहीं बनाए जा सकते। ओके बच्चों, तो ये आपका था थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, दोनों में ही टरबाइन को हमें घुमाना होता है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बच्चों लेक्चर्स को कंप्लीट देखे, अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।